Assalamu alaikum students and welcome to the video lectures of research methods. I'm Farhan Sarwar and we were discussing about the theoretical framework and hypothesis development. Previously, we discussed about the independent variable, the dependent variable and the moderator is that variable, the third variable that affects the relationship between IV and DV. You can also depict that effect on the relationship using a graph, because if there is a moderating effect, it means that for different values of the moderator, the slope of the graph will be different. The slope. So in moderator, if there is a graph in any research paper, you should understand that there may be a moderator analysis in that particular research paper. Then we discussed about the intervening or mediating variable. If we say that there is a variable that is between the IV and DV, then that variable is a mediator. When you will do the statistical analysis, you will understand that we also explains this effect as a direct effect and as an indirect effect. Now, if you look at this diagram, this C path shows that there is a direct effect of IV on DV. But if you see the path A and B, you will understand that there is an indirect effect. So the other term for the mediating or intervening is also the indirect effect. Before we proceed to our hypothesis section, I would like to quote few examples of mediator again. आप ये सोचें कि हो सकता है कि relationship ऐसा हो कि आपका जो exchange rate यानी dollar का जो price rupees में, उसका effect purchasing power पे है, यानी उसका relationship purchasing power को PP. So, अब exchange rate कम होगा, purchasing power increase होगी, यानी इनका एक negative relationship है. अब आप ये सोचें कि क्या ये exchange rate का purchasing power पे effect जो है, उसमें कोई intervening variable हो सकता है? तो जब मैंने थोड़ी research की, तो पता चला कि जो आपका रिलेशनशिप है एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर का, वो बेटर एक्सप्लेन होता है अगर हम मीडिएटर में इन्फ्लेशन को ले आए. यानी अब ये ज्यादा लॉजिकल रिलेशनशिप बन रहा है कि एक्सचेंज रेट लो होगा तो इन्फ्लेशन लो होगी, और इन्फ्लेशन लो होगी तो फिर परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली आप सब लोग जानते हैं कि कंपनसेशन, एचआर में आपने से कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कंपनसेशन का जो इफेक्ट है वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे हो सकता है. तो हमने एक रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया कि जी कंपनसेशन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कंपनसेशन इंक्रीज होगी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. लेकिन बाद में जब हमने इसको डीपली एक्सप्लोर किया तो पता चला कि कंपनसेशन इंक्रीज करने से एम्प्लॉयज की मोटिवेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है. तो हम कहेंगे जी कंपनसेशन और परफॉर्मेंस के दरमियान में जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो मोटिवेशन है. हियर यू शुड आल्सो कीप इन माइंड के देयर कैन बी मोर देन वन मीडिएटर. अगर वो मीडिएटर्स इस तरीके से हम फ्रेमवर्क में प्रपोज करें कि ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये वाया टू मीडिएटर्स, जो पैरेलल मीडिएटर्स हैं, तो हम फिर उनको कहेंगे पैरेलल मीडिएटर्स. यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू M1 भी होके जा रहा है और IV का इफेक्ट DV पे थ्रू M2 भी है. सो वी हैव टू पैरेलल मीडिएटर्स, मेबी देयर आर थ्री पैरेलल मीडिएटर्स. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अगर हम मीडिएटर्स या बहुत सारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क बना देंगे तो उसमें आपका जो आपने याद होगा कि पार्सिमनी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वी नीड टू कीप इट सिंपल.
क्योंकि फिर आपकी एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और जो आप एक रियल इम्पैक्ट किसी वेरिएबल का फाइंड करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते। तो इसलिए हम उसको, जो हमारी थ्योरी जितना सपोर्ट करती है, हम उसको उस हिसाब से ही लेके चलते हैं। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेलल मीडिएटर, ठीक है। एम वन एंड एम टू आर हेयर पैरेलल, मतलब इनका इफेक्ट जो है वो इस तरह है कि आई वी का इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू एम वन एंड एम टू डी वी के ऊपर हो रहा है, एंड देयर ऑफ कोर्स कैन बी मोर देन वन पैरेलल मीडिएटर्स। देन वी कैन हैव सीरियल मीडिएटर्स एज वेल। सीरियल मीडिएटर्स में ये होता है कि हमारी थ्योरी ये कहती है कि आई वी का इफेक्ट पहले एम वन पे है, फिर एम वन जो है वो एम टू के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, एंड देन वी हैव एन इफेक्ट ऑन डी वी। सो ये सीरियल मीडिएटर्स है। तो इसी तरीके से हमें ये पता चल सकता है कि क्या किसी भी आई वी और डी वी के रिलेशनशिप में एक से ज्यादा मीडिएटर्स किस तरीके से उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक और बात ध्यान में रखें कि व्हेन वी आर डूइंग मीडिएटर एनालिसिस इन आवर रिसर्च, जनरली वी अज्यूम के आईवी और डीवी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, यानी देयर आर मेनी प्रायर स्टडीज जिसके अंदर उन्होंने आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया हुआ है और बड़े कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए हैं। सो कंसिस्टेंसी इज द की, कि जी आपने ऑलमोस्ट तकरीबन जो उस रिलेशनशिप का सारा लिटरेचर था उसको एक्सप्लोर किया, तो आपने ये पाया कि कंसिस्टेंटली उनके बीच में एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टेस्ट फॉर मॉडरेटर, जो हम पहले कौन सा मॉडरेटर का पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने ये देखा कि रिलेशनशिप्स में इनकंसिस्टेंसी है। किसी एक रिसर्च पेपर ने उस रिलेशनशिप को वीक बताया, किसी एक और रिसर्च पेपर ने उसके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बताया, किसी और रिसर्च पेपर ने रिलेशनशिप जो है उसको नेगेटिव बताया, किसी ने पॉजिटिव। तो देन वी शुड अज्यूम के देयर मे बी अ मॉडरेटिंग वेरिएबल जिसकी वजह से डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो डिफरेंट सेटिंग्स में किए गए उनके रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, उनके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। देन वी डिस्कस्ड के देयर कैन बी अ फ्रेमवर्क इन विच वी हैव बोथ द मीडिएटर्स एंड द मॉडरेटर्स, एंड दैट ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द थ्योरी। सिमिलरली अगर थ्योरी में एक वेरिएबल को हम मुख्तलिफ तरीकों से भी उस एक फ्रेमवर्क में फिट कर सकते हैं, इट कैन बी इंडिपेंडेंट, इट कैन बी डिपेंडेंट, मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग। इफ यू गो थ्रू दैट लेक्चर, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो लास्ट लेक्चर है डिटेल। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसमें वेरिएबल्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं प्रॉपरली लिटरेचर में से कि हमारी रिसर्च में कौन सी उसकी डेफिनेशन फिट होनी चाहिए। आप कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करना, कॉन्सेप्चुअली डिफाइन करना और फिर उनको ऑपरेशनलाइज करना, जो हम आगे जाके देखेंगे कि ऑपरेशनलाइज क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने उनको मैयर करना होता है। उसके बाद होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जो उनकी रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के जो हमने प्रपोज किए हैं वो आपस में डिस्क्राइब करता है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस, इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। तो ये इस किस्म के जो हमारे वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होता है उसको अगर हम विजुअली पोर्ट्रे करें तो स्कीमेटिक डायग्राम भी बन जाती है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा स्कीमेटिक डायग्राम एग्जिस्ट करे। हम कई दफ़ा सिर्फ लिख के भी बताया जाता है कि वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल किस तरह है, और फिर हाइपोथेसिस के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी हम उस रिलेशनशिप को किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी में। और वो उस हाइपोथेसिस से पहले ऑफ कोर्स जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं कि प्रायर स्टडीज ने इन रिलेशनशिप्स को इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू का बहुत गहरा रिलेशनशिप है विद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। And now coming to our hypothesis.
Generally, we explain a hypothesis as a proposition, some a futuristic statement. ठीक है, but of course it's not written as such. हम उसको लिखते हैं एक present की सूरत में लिखते हैं, but it's a proposition, यानी वो चीज हमने test करनी है, that is empirically testable. Empirically testable mean as supported by the data analysis. Empirically testable. It is an empirical statement concerned with the relationship among variables, or is a logical relationship between two or more variables expressed in the form of a testable statement. It must be adequate for its purpose. It must be testable. It must be better than its rivals. यानी कि जो hypothesis पहले से हो चुके हैं, अब आप उसके एक बेहतर hypothesis पेश करें. आप रिपीट नहीं करेंगे सेम स्टडीज जो ऑलरेडी हो चुकी है. यू नीड टू कम विद सम इफ यू फील कि देयर इज नीड्स टू बी अनदर हाइपोथेसिस अनदर टेस्ट व्हाई यू नीड टू डू दैट टेस्ट. आपको लगा कि आईवी और डीवी का रिलेशनशिप तो इतनी दफा देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज जिसमें एक्सप्लोर हुआ है, सो मे बी यू फील कि आई नीड टू एड अ मीडिएटिव. क्यों? क्योंकि अब वो इतना कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है लेकिन हम उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके. जहाँ आपने देखा कि आईवी और डीवी का रिलेशनशिप तो एक्सप्लोर हो चुका है लेकिन इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, किसी एक स्टडी में वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसी एक में नेगेटिव रिलेशनशिप है, देन यू कैन से दैट वी नीड टू टेस्ट अ मॉडरेटर इन इट. और मे बी यू फाइंड के कोई एक ऐसा डीवी है कि जिसके साथ वो एक पर्टिकुलर आईवी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नहीं एक्सप्लोर हुआ. सो योर हाइपोथेसिस शुड बी सच दैट कि इट डज नॉट रेप्लीकेट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, रादर इट शुड बी बेटर देन इट्स राइवल्स. हाइपोथेसिस कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल. अब इस डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल जिस नाम से साबित है कि अगर हम ये बताते हैं कि एक आईवी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डीवी में क्या फर्क पड़ रहा है, देन इट इज अ डायरेक्शनल रिलेशनशिप. जिसकी एग्जाम्पल ये देखें आपके सामने है, दैट ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड इन द जॉब द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. यानी कि यहां पे जॉब स्ट्रेस और जॉब सेटिस्फेक्शन आई विल राइट सेटिस्फेक्शन एस ए टी का रिलेशनशिप एक्सप्लोर हुआ. अब ये इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जब जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है जॉब स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है तो जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी. सो व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दैट कि दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. इंक्रीज डिक्रीज इट्स अ नेगेटिव हाइपोथेसिस बट स्टिल इट्स अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. वीमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मेन आर मोर मोटिवेटेड. यानी कि वीमेन जो है वो उस जॉब में ज्यादा मोटिवेटेड है एज कंपेयर टू मैन. अगेन वी हैव अ डायरेक्शन. Non-directional hypotheses are only explaining a relationship. There is a relationship between age and job satisfaction. हमें बिल्कुल थ्योरी से ये बात क्लियर नहीं हुई कि एज बढ़ती है तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, या एज जिसकी कम है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, या उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन कम है. The only thing we can infer from the existing literature is that there is a relationship. When we say that, it means that we are proposing a non-directional hypothesis. और फिर जब हम further statistical analysis करेंगे तो हो सकता है कि तब हमें पता चले कि हमारा hypothesis जो है वो negatively relationship को test कर रहा है, यानी उस results दे रहा है, या positive results दे रहा है, या हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही ना करे. या फिर इस तरह हो सकता है कि देयर इज अ जब हम ग्रुप कंपैरिजन करते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्क एथिक वैल्यूज ऑफ अमेरिकन एंड अरेबियन एम्प्लॉयज. वी आर नॉट श्योर. अभी यहां पे हमें ये नहीं पता कि किसके वर्क एथिक वैल्यूज ज्यादा हैं, कि अमेरिकन के ज्यादा हैं या अरेबियंस के ज्यादा हैं. ओनली थिंग वी आर प्रपोजिंग राइट नाउ दैट देयर इज अ डिफरेंस. Hypothesis can be written as if-then statement, और ज्यादातर ये इसी तरीके से होते हैं कि एक तो ये आपके सामने hypothesis है, employees who are healthier will take sick leave less frequently. यानी जो employees healthy होंगे
वो सिक लीव्स कम लेंगे, बट वी कैन हैव अनदर वे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इफ एम्प्लॉयज आर मोर हेल्दी, यानी इफ्स आ गया, देन दे विल टेक सिक लीव्स लेस फ्रीक्वेंटली। तो ये इफ देन स्टेटमेंट की सूरत में भी हाइपोथेसिस लिखा जा सकता है। The concept of null and alternate hypothesis, although आजकल conventionally null hypothesis को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती special business study के research में, but इसमें इसको थोड़ा सा आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपको पता चल जाए कि hypothesis accept कब होना है और hypothesis reject कब होना है। तो null hypothesis में there is a definitive exact relationship between two variables। यानी कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कोरिलेशन या जीरो है या इक्वल टू अ डेफिनेट वैल्यू है। सो हम ये कहें कि मेल्स और फीमेल, यानी मैन और विमेन का जो कोई भी मीन है, ये मीन क्या है, मोटिवेशन का मीन ले लें, तो उनका जो मोटिवेशन का मीन लेवल है वो सेम है। इसका मतलब है जो हमने हाइपोथेसाइज किया था कि विमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मेन, उसका जो नल हाइपोथेसिस, यानी ये वो हाइपोथेसिस जिस पे हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, वो क्या डिपेक्ट करेगा कि दोनों का मीन इक्वल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो हमने प्रपोज किया होता है, जो हमारी रिसर्च ने प्रपोज किया होता है, और हमारी ये ख्वाहिश होती है, जाहिर है हमने अगर हाइपोथेसिस प्रपोज किया है तो वी वांट दैट हाइपोथेसिस टू बी एक्सेप्टेड। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने ये कहा था कि विमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मेन, यानी देखिए ग्रेटर का साइन जो है वो विमेन की साइड पे है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये वो हाइपोथेसिस है विच वी वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड। But on the other hand, हम जब statistical analysis करते हैं और हमें समझ आती है कि ये hypothesis नहीं, ये वाला hypothesis accept हो रहा है, यानी there is no difference in motivation between men and women, then we say that null hypothesis is accepted. ठीक है, तो यहाँ पे जो mu m यानी mean, m is the mean motivational level of the man and mu w is the mean motivational level of women. Now, what will be the hypothesis for the following framework? Service quality is related to customer switching. There is a relationship between service quality and customer switching. अच्छा, अगर इसको directional बनाना है तो we can say there is a negative relationship between service quality and customer switching. There is a relationship between service quality and customer switching with moderating effect of switching cost. Now, switching cost is a moderator. There is a relationship between service equality and customer switching with the mediating effect of customer satisfaction. जो control variables, ये different type के variables होते हैं. Actually, control variable का नाम control ज़्यादातर experimental research के context में रखा गया है. तो होता ये है कि जब हम कोई चीज़ test कर रहे होते हैं और वो जाहिर है क्या टेस्ट है, आईवी और डीवी का जो रिलेशनशिप है हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईवी व्हाट आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डीवी। ठीक है, यानी आईवी की वैल्यू एक सेट की तो डीवी की क्या वैल्यू है, आईवी की वैल्यू दूसरी सेट की तो डीवी की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस करते हैं कि कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। अब जिस तरह हमने ये देखा था कि फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, अब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने वोल्टेज की एक वैल्यू सेट की तो करंट की ये दूसरी वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे उसका डॉट बना दिया, फिर वोल्टेज की वैल्यू सेट की तो करंट की दूसरी वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे उसका एक डॉट बना दिया और हमने कहा ये इस तरह जा रहा है। ठीक है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे अजम्पशन हम ये रखेंगे कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सी फॉर सेंटीग्रेड इज कांस्टेंट।
तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा सी डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अ कंट्रोल्ड वेरिएबल. ये भी पॉसिबल था कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां पे वोल्टेज और करंट को चेंज कर रहे हैं और साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो मे बी वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस और मे बी वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस और मे बी द रिजल्ट्स दैट वी विल गेट वो जस्टिफाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि वो फेयर टेस्ट नहीं है कि एक लेवल ऑफ आईवी पे वो कंट्रोल वैल्यूएबल की डिफरेंट वैल्यू थी, दूसरे पे डिफरेंट वैल्यू थी. देन वी विल डिस्कस एन एग्जांपल जिसमें ये कंट्रोल वेरिएबल अभी आएंगे थोड़ी देर में, एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें अनकंट्रोल या न्यूसेंस वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है. ये जो और इनका नाम एक्सट्रोनस वेरिएबल्स भी होता है. ये जो एक्सट्रोनस वेरिएबल्स होते हैं ये भी एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स को डिस्टर्ब करते हैं. क्यों? क्योंकि आप आईवी की वैल्यू चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में जो दूसरी रिसर्च है उस एक्सपेरिमेंट में ये डिफरेंस होता है कि जो आपकी सिंपल सर्वे रिसर्च है उसमें आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, आप सिर्फ उसकी डिफरेंट वैल्यूज पे डीवी की डिफरेंट वैल्यूज जो है उनको मेजर करते हैं. जबकि जो एक्सपेरिमेंट होता है आपका उसमें ये होता है कि आप आईवी की वैल्यू चेंज करते जाते हैं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग डीवी की वैल्यूज मेजर करते हैं, तो वो एक कंट्रोल कंडीशन में होता है. लेकिन देयर आर स्टिल सम वेरिएबल्स जिनको हम नहीं कंट्रोल कर पाते, तो ये जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी डिस्कस होगी, ठीक है, उसके अंदर आप ये कंट्रोल वेरिएबल्स को भी देखेंगे और ये न्यूसेंस वेरिएबल्स या एक्सट्रोनस वेरिएबल्स को भी इसमें एग्जाम्पल आएगी. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल. दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल. आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स फर्स्ट. स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस वर गिवन द सेम जिग्सॉ पजल टू पुट टुगेदर. दे वर टाइम टू सी हाउ लॉन्ग इट टुक टू फिनिश द पजल. सो डिफरेंट एजेस है स्टूडेंट्स की, उनको सेम जिग्सॉ पजल मिला और फिर उनकी टाइमिंग की गई. अब आप खुद सोचें कि इसके अंदर आईवी डीवी क्या है, ठीक है. अभी मैं आपको नहीं बताता, लेट्स सी कि अगली स्लाइड्स में ये क्या डिस्कस होता है. सो व्हाट वाज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एजेस ऑफ द स्टूडेंट. और हमने डिफरेंट एजेस से टेस्ट किया, यानी डिफरेंट वैल्यूज. वेरिएबल का मतलब ही क्या है कि उसकी डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए. व्हाट वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल? द टाइम टू पुट द पजल टुगेदर. अब आपको समझ आ गई कि हाइपोथेसिस क्या था, दैट एज of the students or children is related to the time it takes to solve the puzzle. ठीक है, और यहां पे हमने ये अज्यूम किया है कि अभी शायद वो स्टेटमेंट में अजम्पशन नहीं है, बट आई थिंक एज बढ़ती जाएगी तो टाइम रिड्यूस होता जाएगा. सो द टाइम टू पुट द पजल टूगेदर वॉज ऑब्जर्व एंड मेजर बाय द साइंटिस्ट, दैट वॉज द डीवी. अब जो ये पजल है इसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या था? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो कंट्रोल्ड वेरिएबल ये था कि वी यूज द सेम पजल. यानी ये ना हो कि एक स्टूडेंट को डिफरेंट पजल मिल जाए, दूसरे को डिफरेंट पजल मिल जाए. और जाहिर है पजल्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है. अगर ये एक फेयर टेस्ट ना होता कि इफ समवन हैज एन 30 पीस पजल एंड अदर हैड अ 500 पीस पजल, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एज, उसमें तो फिर पजल की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पजल है ये वो हमने कंट्रोल किया, क्योंकि हमने सेम ही पजल जो है उसको एडमिनिस्टर किया, राइट. तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, ठीक है, इन विच वी डिस्कस द नीड फॉर अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन अ डिडक्टिव रिसर्च, देन डिस्क्राइब द फोर मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटर एंड मीडिएटर्स, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो डिस्कस्ड अ बिट अबाउट द कंट्रोल वेरिएबल्स एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अ बिट अबाउट द न्यूसेंस वेरिएबल्स. अच्छा, अगर लास्ट जो हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया उसके अंदर न्यूसेंस वेरिएबल्स सोचें, तो यू कैन से जो मूड ऑफ The child who is performing the experiment can be a nuisance variable. यानी कि आपने conditions तो control कर ली, लेकिन आप mood नहीं control कर सकते. उसका जो mood है, उसका भी effect. अब हो सकता है कि कोई एक ऐसा student हो कि जो
वैसे तो इंटेलिजेंट है, वो पजल को जल्दी से पुट अप कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे उसका मूड इज नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड की वजह से उसका जो है, अब वो एक अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है, तो हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट्स में अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स का सामना भी रहता है। देन वी डिस्कस हाउ टू डेवलप अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्या थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द वेरिएबल्स, वी नीड टू कम अप विद अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और उसके साथ कुछ स्कीमेटिक डायग्राम जो आपस में वेरिएबल्स की रिलेशनशिप जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंड वी नीड टू हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर कि हमने क्यों ये रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किए, ये प्रपोज किए। एंड देन हाउ टू डेवलप अ हाइपोथेसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल हो सकते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसमें हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल फॉर बोथ द वेरिएबल्स और डेफिनेट होती है, या फिर वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं, द हाइपोथेसिस दैट वी वांट टू जस्टिफाई, हमने जो हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया होता है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज सेम एज ऑल अदर रिसर्च, द मैनेजर्स नीड्स टू मेक डिसीजंस एंड टू मेक दोस डिसीजंस दे नीड टू मेक सम गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्च एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, राइट? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अवर रिसर्च डिजाइन। यू कीप यू फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स एंड देन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।